नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। 4 साल तो हो चुके हैं पर यह धरना प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बैठक के दौरान शिक्षक नई नियमावली पर मुहर तक लग गई पर शिक्षक अभ्यर्थियों को ये मंजूर नहीं है। शिक्षक नियमावली पर जो नियुक्ति का मोहर लगा है उसको आप लोग घातक बता रहे पूरे तरीके से, ये क्यों बता रहे हैं आप लोग? देखिए मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल जो टीडी न्यूज है, हमारा मुद्दा हमेशा से उठाते रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। बात जहां तक नई नियमावली का है, तो नई नियमावली कोई भी नियमावली होती है ना, तो नियमावली शिक्षकों का समायोजन के लिए होता है, लेकिन ये नियमावली ऐसा बना है कि शिक्षकों का निष्कासन हो, मैक्सिमम टीचर को बाहर कर दिया जाए, ऐसा नियमावली है। इसमें ऐसा पॉइंट है, कुछ बहुत सारा इसमें लूप होल है। पहला बात कि लिखा गया है कि आपको अच्छा सैलरी दिया जाएगा लेकिन ग्रेड पे मेंशन नहीं है। बिहार सरकार का दोगली नीति देखिए, उसमें ग्रेड पे दे देना चाहिए था। 4800 ग्रेड पे होना चाहिए, 5400 ग्रेड पे होना चाहिए, या कौन सा ग्रेड पे के तहत आप लाइएगा, पहला। दूसरा कि इसमें कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं इसमें दिया हुआ है कि हम लोगों को कौन सा सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देना है। इस तरह के काफ़ी इसमें लूपहोल है। हम लोगों को नई नियमावली से ये उम्मीद था, हम लोग काफ़ी टाइम से आंदोलनरत हैं, तो हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को नई नियमावली जैसे ही आएगा आप लोगों का रोस्टर क्लियरेंस होगा, सीटें आ जाएंगी और आप लोग नियुक्ति, आप लोगों का नियुक्ति पत्र हाथ में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे नई नियमावली के नाम पे हम लोगों को प्रवेश पत्र थमाया जा रहा है। दूसरा बात, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम से हम लोग डर गए। बात एग्ज़ाम का यहाँ पे है ही नहीं, बात है कि अगर आपको एग्ज़ाम लेना चाहिए था, ये नियुक्ति 2019 का है, तो 2019 कहा गया था, आज आपको 3.5-4 साल बाद आपको समझ में आया कि इन लोगों को एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। हमारे साथ साथ शारीरिक शिक्षा वाले जो हैं उनका भी 2019 में नोटिफिकेशन आया था, वो ऑलरेडी 1 साल जॉब कर चुके हैं, सैलरी उठा चुके हैं, अभी तक उनका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो हमारे साथ कहीं ना कहीं ये बाबा का जो जन्मदिन है आज, भीमराव अम्बेडकर साहब का, और हमारे साथ जो समानता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 के अंदर आता है, उसका तो हम लोगों के साथ। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि रोजगार हाथ में दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग बिन मतलब का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजगार हाथ में दिया जा रहा है, अभी ये बीपीएससी के थ्रू हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 50,000 के अप्रोक्स कैंडिडेट अपीयर हुए थे और मात्र 421 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, पास हुए, जिसमें 350 डॉक्यूमेंट के साथ जॉब कर रहे हैं। और गवर्नमेंट पल्ला ये बोल के झाड़ ली कि हमने तो 50,000 का, हमने तो लगभग 10-15,000 हेडमास्टर का वैकेंसी निकाला लेकिन मात्र 400 ही एलिजिबल कैंडिडेट हैं। वही पल्ला हमारे साथ करने वाली है गवर्नमेंट, वहाँ पर गवर्नमेंट वैकेंसी लाखों में दिखाएगी, 3 लाख वैकेंसी दिखेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम लेगी और एग्जाम में जब रिजल्ट आएगा ना, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और इस तरह का इन लोगों का जो नीति है उसके अकॉर्डिंग 10-15,000 भी अगर हो जाएं, तो बिहार के बाकी जो स्कूल हैं, जो इतने सारे जो 64-21 जो उत्क्रमित विद्यालय हैं, उसमें अभी तक एक शिक्षक भी नहीं है, तो शिक्षकों का क्या रहेगा? वो विद्यालय तो बिना शिक्षक विहीन वर्षों से ऐसे ही चला रहा है और वर्षों तक ऐसे ही चला जाएगा। तो गवर्नमेंट का नीति हम लोगों को अंदर लाने का कहाँ है, ये तो हम लोगों को बाहर लाने का नीति बना के रखी है, इसलिए हम लोग इस नियमावली को नहीं मानते हैं। हमारा गवर्नमेंट से सीधा तौर पे यही मांगना है कि आप हम लोगों को पहले नियोजित करिए, उसके बाद नियोजित करने के बाद आप परमानेंट करने के लिए, नियमित करने के लिए आप जो भी पैरामीटर सेट कीजिएगा, जो भी क्राइटेरिया सेट कीजिएगा, उसको हम लोग फुलफिल करेंगे तो हमें राजकर्मी का दर्जा दीजिएगा, अदरवाइज हम लोगों को नियोजित रखिएगा। यही हमारी गवर्नमेंट से सिंपल सा मांग है। और दूसरा बात यह भी है कि ये 2019 की बहाली है और हम लोगों का नया जो नियमावली आया 2023 में आया है, तो पुराना जो वैकेंसी है, पुराना वैकेंसी पुराने तर्ज पे क्लियर किया जाए और जो नई नियमावली है नए चरण के लिए रखा जाए, यही गवर्नमेंट से हमारी सिंपल सी मांग है। तो रास्ता तो बोल रहे हैं क्लियर है, रास्ता क्लियर कहाँ है? रास्ता इससे क्लियर है कि जो 2019 से जो बैठे हुए हैं और अभी जो शिक्षक आने वाले हैं, उन दोनों के बीच में जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो बोल रहे हैं कम होने वाला है। कंपटीशन लेवल के यहाँ पे तो बात ही नहीं है कि कम होगा या ज्यादा होगा, बात यहाँ पे कंपटीशन होगा ही नहीं, बिल्कुल कंपटीशन नील है, क्योंकि ये जो बीपीएससी के माध्यम से या किसी भी आयोग के माध्यम से परीक्षा लेंगे, सब के सब छट जाएंगे और ये ढिंढोरा पीटते चलेंगे कि हम तो बहाली करने वाले थे लेकिन आप अयोग्य हो गए। ये शिक्षकों को अयोग्य ठहराने का एक तरीका है नीतीश सरकार की, और इसी नीतीश सरकार की गलत मंसूबे को हम निष्ठ नबूद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शरण में हम आए हुए हैं कि आप जो है इन तानाशाहियों को सद्बुद्धि दीजिए कि आप जो है इस नियमावली से आयोग पोस्ट डाले हैं कि अगर बात नहीं मानी जाएगी आप लोगों की तो आप लोग जातीय जनगणना नहीं होने देंगे।
बिल्कुल जातीय जनगणना क्या, हम नीतीश सरकार की कोई काम नहीं करेंगे क्या, हम उसके नौकर हैं क्या कि हम जो है सचिवालय सॉरी शौचालय जाकर के हम जांच करेंगे, हम जो है कोरोना आएगा तो सबका जो है जाकर के खेतों में सीटी बजा बजा करके ये जांच करेंगे, दारू चेक करेंगे, हमारा काम शिक्षकों का काम क्या है, शिक्षक को काम है पढ़ाना, बस पढ़ाना, आप जो है किसी को गुलाम नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमारे जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका बहिष्कार करना, आप जो है कह रहे हैं कि आप जो है शिक्षक हैं नियमित आप बनिएगा, नियमित बनिएगा क्या मतलब, नियमित जो रूप से जा करके वो शिक्षा तो दे ही रहे हैं ना, तो आप उनसे वही काम करवाइए जो शिक्षक के लिए है, और आप जब उनसे इतना कठिन परिश्रम ले रहे हैं तो आप उनको वेतन देने में क्यों डर रहे हैं, जब इतना कठिन काम करवा रहे हैं, आपका सारा काम बिहार में चुनाव से लेकर के हर काम कौन कर रहा है, शिक्षक, और यही नियमावली पे डटी रही सरकार, शिक्षक, और यही नियमावली पे डटी रही सरकार, अरे सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा, हमारे सामने बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और 5 लाख के करीब जो है अभ्यर्थी हैं बिहार में, और बिहार सरकार को अभ्यर्थियों के सामने और शिक्षकों के सामने घुटना टेकना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार ये बिहार जो है सरकार की नहीं है, ये बिहार जो है बिहार की जनता की है, हम ना आपको वोट दे करके बैठाए हैं जी, और हम आपको वोट दे करके बैठाए और हम ही से आप जो है गलत नीति अपनाएंगे, हम ये सहने वाले नहीं हैं। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव तक इसको खींचने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए जो भी सरकार की बहाली है और जो मंशा है बिल्कुल शिक्षक विरोधी है, और ये जानबूझ कर चुनाव के बलि चढ़ा रहे हैं, और ये जानबूझ कर ऐसा ही किए हैं कि इसमें कुछ दाव पेश कर दिया जाए ताकि अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो और चुनावी मुद्दा बने रहें, इसके नाम पर विपक्षी और पक्ष दोनों की मंशा है, साफ साफ है कि चुनाव का मुद्दा बना रहे, अभ्यर्थी रोड पर रहे और इसके नाम पर हम चुनाव लड़ जाएं और इसको लगातार खींचते रहें, ये साफ साफ मंशा है, इसमें कहीं कोई 3 दिवसीय आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि धरना प्रदर्शन जी आज आगाज हुआ है, उसके बाद कल भी है परसों भी है, परसों फाइनल अटैक है, उसके बाद हम लोग रेगुलर जब तक ये नियमावली 2023 वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यूं ही डटे रहेंगे पटना की धरती पे, क्योंकि ये नियमावली जो है ना इसलिए ये नियमावली एकदम मतलब कि शिक्षक के विरोधी है, शिक्षक का हत्या किया जा रहा है, शिक्षकों के साथ साथ शिक्षक अभ्यर्थियों का हत्या किया जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को ये नियमावली तो वापस लेना ही पड़ेगा, और इसके अगेंस्ट में हमारे पास बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जिससे ये नियमावली बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, बिहार की जनता के लिए भी नहीं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए भी ये नियमावली सही नहीं है, तो गवर्नमेंट को इस नियमावली को वापस लेना ही पड़ेगा। तो साफ तौर पे सीटेट और बीटेट और जितने भी अभ्यर्थी है शिक्षक अभ्यर्थी उनका यही कहना है कि नियमावली जो शिक्षा मंत्री के द्वारा, और आपको बता दें कि बैठक में इसको मंजूरी दी गई थी, उस पर ये लोग कायम नहीं करेंगे, यानी ये नियमावली बिल्कुल तरीके से फर्जी साबित बताया जा रहा है। आगे देखना होगा क्या शिक्षा मंत्री इस पर कुछ एक्शन लेंगे या फिर से शिक्षकों को उलझाने का काम करेंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही, बने रहे हमारे चैनल TD News के साथ, धन्यवाद।